अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतने दिनों में तुमने कुछ भी नहीं किया है, आज अचानक क्यों मारा? क्या तुम हुआ क्या है? इससे तुम बच जाओगी और जल्दी से जेल से बाहर आ जाओगी। और उठाई फुट चुनेल दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं बिटिया। वो चुनिया के हाथ में ऐसा कुछ था जिसे वो राधा को बचाने वाली है। उनको कुलकुल के पास ऐसा क्या है और वो गई कहाँ? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसे यहाँ आते हुए देखा था और फिर यहाँ से जाते हुए देखा। वो शायद स्टोर रूम गई होगी। अब आप नहीं बेटा, तू देख के वो चुहिया कहाँ है, कहीं राधा छूट ना जाए बेटा। हम संभाल लेंगे अपने आप को। पक्का? ठीक है, मैं अभी आई दो मिनट में आई। मोहन, मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम से बात की, तुलसी के फिंगरप्रिंट्स के फोरेंसिक टेस्ट आने में तो शाम तक का टाइम लगेगा। पर केस की हियरिंग तो कल है। हम कितनी भी कोशिश करें पर कल शाम से पहले रिपोर्ट मिलना इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी मिल जाए, पर कोई गारंटी नहीं। मोहन जी, आप हमारी चिंता मत करिए। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी गुनगुन हमसे नफरत नहीं करती, हमसे बहुत प्रेम करती और आप दोनों हमारे साथ हैं और हमारे हाथ इतना बड़ा सबूत लग गया। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस काल कोठरी में कुछ दिन और खुश निकाल लेंगे। और तब तक देविका या दामिनी को इस प्रूफ के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। उन्हें जरा भी अंदाजा हो गया ना तो वो दोनों सबूत मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें सीधा ये सबूत कोर्ट में दिखाना, नहीं तो वो आर्गुमेंट तैयार करके इस प्रूफ को भी चैलेंज कर सकती है। शेखर भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आज मैं कावेरी मौसी को रोकती नहीं तो वो आज गुनगुन के हाथ से सबूत छीन लेती। हमें थोड़ा चौंकाना रहना होगा। दामिनी, देखती हूँ कहाँ है वो चुहिया। लगता है कावेरी मौसी ने उसे सब कुछ बता दिया, तभी वो यहाँ पर स्टोर रूम के पास आ रही है। क्या कर? नहीं, मुझे दामिनी को रोकना होगा, वरना अगर उसने यहाँ पे सबको देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा। गई कहाँ?
मोहन के रूम में चेक करती हूँ, कहीं मोहन और गुनगुन साथ में कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे। चली गई। शेखर मुझे दामिनी से पहले अपने कमरे तक पहुंचना होगा यार। पर तुझसे पहले तो दामिनी वहां पहुंच जाएगी। दामिनी से पहले वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, मुझे अब क्या करें? पता नहीं। एक आइडिया है। ये कहां से आया तेरे पास? इसे तो मैं बाद में देखती हूं। पहले तुझे जेल का कानून समझा दूं। बच्ची है। तेरी बच्ची है क्या? चल हट मेरे रास्ते से। बाजी! जेल है तेरा घर नहीं। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सॉरी मैडम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।